अरे उनको जानते हो? हट जा सीमेन, सब वेट वेट वेट, सब वेट, अरे अरे सीमेन, अरे बच्चों, क्योंकि ये हम काफ़ी देर से मैं एक सपना बनाकर बैठा था कि ना कि मैं शादी करूँगा जब मैंने इनको प्रपोज किया था. सो वो टाइम करते 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 आज फाइनली वो डेट आ गई है कि कल हमारी शादी है. थोड़े घंटे कुछ बाकी रह गए हैं. सो ये फीलिंग वो है आई थिंक जिसकी शादी होती है वही समझता है. तुम बहुत यू नो ऐसा फील करते हो कि भाई नई लाइफ शुरू होने वाली है, नई जर्नी एक ऐसी जिसका तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है वो कैसी होगी. बट विद यूविका आई कैन से दैट कि मेरी लाइफ आगे भी स्मूथ और बेहतर होगी. सो आई लव यू. एवरीवन इज लाइक कांट इमेजिन, सब डांस कर रहे हैं. आई कांट स्टॉप डांसिंग, इट्स अमेजिंग. आई मीन थैंक यू सो मच एवरीवन. हम लोग आज साथ में हैं बिकॉज ऑफ आवर फैंस और आप सब लोगों का प्यार. इट्स अनबिलीवेबल. आई थिंक वी आर ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए. और आई थिंक मेरे पास वर्ड्स नहीं है. आई एम जस्ट स्पीचलेस एंड आई कैन से थैंक यू गॉड एंड थैंक यू ऑल हम लोगों को इतना प्यार देने के लिए. इसी वजह से हम लोग यहाँ शादी के मुकाम तक पहुँचे. नहीं मेहंदी. ओके सो ही प्रपोज मी इन द बिग बॉस. सो बिग बॉस में जैसे मुझे प्रिंस ने प्रपोज किया था आई डिडंट नो कि मेरी लाइफ भी एक्चुअली ऐसे होने वाली है. आई थॉट टीआरपी के लिए थोड़ा कर रहा है ये. बट आई थिंक जब आप दिल से कुछ बोलते हो कई बार ऊपर वाला बैठ के आपकी लाइफ लिख रहा होता है. तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ एंड यू कैन सी This is the same picture जो वहाँ पर थी. So this is me, बिग बॉस के घर में हूँ ये मैं. और ये युविका जब मैंने इनको एक दिल का परांठा बनाया था और प्रपोज किया था. सो दिस इज़ फॉर रियल. ये इन्होंने अपनी मेहंदी में. My life.
लग जाएगा. Let it be surprise, guys. Okay, last में मैं दो सवाल तो जैसे कि आपने बोला थी कि surprise देने वाले हैं ऑपरेशन को आपने कुछ नहीं. आई थिंक अपने दिल की सुनो हमेशा और जो तुम्हारा दिल हमेशा कहेगा वही सच है और वही सही होगा क्योंकि दिमाग 10 तरफ ज़्यादा पर दिल सिर्फ एक तरफ ज़्यादा और अगर दिल को कनेक्ट रखोगे अपने दिमाग से तो कभी गलत नहीं जाने देगा और किसी का दिल ना तोड़ो फीलिंग्स मत हर्ट करो और इसके साथ रो. थैंक यू.